एवरीवन नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ अपना आइकिया हॉल। मैं रिसेंटली दो बार, मतलब एक तो मैं काफी पहले गई थी जब मेरा घर बन के ऑलमोस्ट रेडी हो गया था, मतलब 20 दिन पहले हम लोग आइकिया गए थे कुछ चीजें समझने के लिए। एक्चुअली हमारा जो प्रोसेस था दिमाग का वो इस तरीके से वर्क कर रहा था कि जो चीजें हमको पता है कि ये हमको बिल्कुल लॉन्ग टर्म में खींचना है वो चीजें हम कस्टम मेड करवाएंगे। अच्छे अपना जो होता है ना बिल्कुल एकदम प्रॉपर वाटर रेजिस्टेंट वुड होता है, मरीन प्लाई जिसको बोलते हैं, उसमें हमने बनवाई है। और जो चीजें हमको लगता है कि ये हमको ज्यादा एक्सपेंस यहाँ पे नहीं खर्चा करना है, ये हमारा सस्ते में भी काम हो जाएगा, वो चीजें हमने आइकिया से परचेस कर ली है। तो जो फर्नीचर वाइज हमने क्या क्या आइकिया से लिया है, जैसे बैल्कनी फर्नीचर हो गया, एक आध दो और चीजें यूनिट्स वगैरह हो गई, मैंने आइकिया से ली है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी मैंने जो चुटर पुटर चीजें ली है, छोटी मोटी जो चीजें होती है, वो भी मैंने काफी सारी ले रखी है, तो वो मैं भी आपके साथ में हॉल शेयर करूंगी। जल्दी मैं मार्केट 99 और होम सेंटर का भी हॉल शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, बट आज की वीडियो में मैं स्पेसिफिकली आइकिया का ही वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूं। अभी हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट प्रोडक्ट से। जो सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट है ना वो है ये बिन। सो दीज आर द प्लास्टिक बिन्स बेसिकली। अब ये जो बिन है इनकी स्पेशल चीज ये है कि ये बिन आते हैं मात्र 85 रुपीज के। तो वहां पर ये डस्टबिन की तरह बिन्स रखे हुए थे और जैसे ही मैंने देखा मेरा दिमाग एकदम से दौड़ा कि यार इसको तो मैं एज अ प्लांटर की तरह यूज कर सकती हूँ। मैं इसमें होल वगैरह नहीं करने वाली हूँ, नॉर्मल प्लांटर होता है वो उसके अंदर डालूंगी, इसके लिए यूज कर सकती हूँ। इट्स वेरी वेरी बिग। तो इस तरीके के मैंने दो खरीदे हैं, मुझे लगा था कि ये पैसा वसूल चीज है यार। उसके बाद आते हैं सेकेंड पे, दिस इज अ मैं आपको बताती हूँ क्या है ये। ऑर्गेनाइजर है एक तरीके का, आप इसको लगा सकते हो ऐसे और आप इसको कहीं पे भी रख सकते हो। आप किचन में रख सकते हो, आप नीचे रख सकते हो, ऊपर रख सकते हो, प्लांट रखने के लिए रख सकते हो, वार्डरोब में रख सकते हो, मतलब आप इसको कहीं भी कैसे भी किसी भी तरीके से यूज कर सकते हो। दे आर वेरी स्टर्डी एंड मेश मटेरियल है यहाँ पर। सो इसको भी ना इसके साथ में ऐसे स्क्रूज आए एकदम छोटे छोटे से स्क्रू आए हुए हैं, तो वो आपको इसमें लगाना होता है और फिट विट करना होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं लेकर के आई हूँ वो आई हूँ ये पता है क्या है, ये है ये डाइनिंग टेबल रनर है। तो मैं इसको एज ए डाइनिंग टेबल रनर की तरह नहीं लेकर के आई हूँ, मैं लेकर के आई हूँ जो मेरे काफी सारे चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स हैं उनके ऊपर रनर बिछाने के लिए लेकर के आई हूँ। और उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं लेकर के आई हूँ वो है एकदम सिंपल सी बेसिक सी चीज, मैं ये वाइपर लेकर के आई हूँ। दिस इज द नेक्स्ट प्रोडक्ट। बहुत ऐसे ना वो वाली फैंसी चीजें नहीं लेकर के आई हूँ, बहुत बेसिक चीजें यूज करने के लिए होती है ना। नाउ दिस इज द कर्टन सेट ऑफ टू कर्टन्स, तो एकदम व्हाइट कलर के हैं, बहुत ही ऐसे सी थ्रू टाइप के हैं। ये देखिए ये लाइक दिस, तो मुझे अच्छे लग रहे थे ये, मैंने कहा ले लेती हूँ यार, दो ले लेती हूँ चलो। मैंने निकाले दो तीन और पैटर्न थे, मैंने ब्लैकआउट कर्टन भी वहां से निकाल करके रखा था, फिर मैंने एक आध और कर्टन जो है वो मैंने निकाला था, बट फिर मुझे ऐसा लगा कि अभी रुकते हैं, जरूरत पड़ेगी बाद में तब मैं कर्टन ले जाऊंगी, बट अभी मुझे ये ठीक लगा क्योंकि ये तो मैं एनीवेज यूज कर ही लूंगी किसी ना किसी जगह पे। काफी सारे किचन के बॉक्स खरीदे हुए हैं, काफी सारे किचन के डब्बा डब्बीज होते हैं वो काफी सारे लेकर के नहीं आई हूँ। जो मेरे मसाला के डब्बा डब्बीज है वो भी मैं लेकर के नहीं आई हूँ, वो मैंने सब डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि मेरे पास एक ऑप्शन था कि या तो मैं चेंज ही कर रही हूँ तो आई कैन बाय ग्लास का कंटेनर्स ले सकती हूँ मैं, या फिर मैं अच्छी ग्रेट क्वालिटी ऑफ जो प्लास्टिक होता है उसका कंटेनर्स ले सकती हूँ मैं। मसाले होते हैं जिनकी छोटी छोटी डब्बियां होती है ना, वो तो सब मैंने ग्लास के, पहले भी ग्लास के यूज कर रही थी एंड अभी भी आई अगेन बॉट ग्लास के ही कंटेनर्स, बट जो दाल होता है, चावल होता है, इस तरीके की जो बेसिक यूटिलिटी डेली की चीजें होती है जिसमें पोहे रखना है, अलग अलग तरीके ग्रेन्स पल्सेस ये सब रखना होता है, वो मैंने पर्पसली प्लास्टिक के ही लिए हैं, अच्छी क्वालिटी प्लास्टिक के लिए हैं। सो वो सब मैंने ना लॉक इन की, मतलब मैं वन स्टॉप करके एक स्टोर यहाँ जहाँ पर हर तरीके के आपको अच्छे अच्छे ब्रांड्स के अच्छी क्वालिटी के प्लास्टिक के डब्बे मिलते हैं। दे आर मोर एक्सपेंसिव देन ग्लास कंटेनर्स है बिकॉज वो काफी हाई ग्रेड प्लास्टिक होता है, आप उसको फ्रीजर में रख सकते हो, डायरेक्ट अवन में रख सकते हो, बहुत एयर टाइट होते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं। तो मैंने ग्लास का नहीं लेने का मेरा सबसे बड़ा रीजन ये था कि जैसे ही हम जब आए थे ना यहाँ पर तो हमारे पास दो चीजें फूट चुकी थी ग्लास की ऑलरेडी, एक तो वाटर बॉटल हमारी सट से फूटी थी विक्की के हाथ से और एक मेरे हाथ से कंटेनर फूटा है। तो मैं ये हो गई थी, मैंने कहा थोड़ी बहुत चीजें हम ग्लास की मैनेज कर सकते हैं बट सारी चीजें ग्लास की मैं तो नहीं मेंटेन कर पाऊंगी। किचन मेरे अलावा भी और लोग यूज करते हैं, लाइक विक्की यूज करता है, विक्की तो बिल्कुल भी कंफर्टेबल, उसने एकदम स्ट्रिक्टली बोल दिया था भाई ग्लास के कंटेनर सारे यूज ले आओगी, मेरे से मैनेज नहीं होता,
होता है मैं किचन में घुसना बंद कर दूंगा, होते यार स्लिप में हो जाएगा, आपके तेल के हाथ है, घी के हाथ है, आप काम कर रहे हो। तो फिर मैंने क्या किया, आधे कंटेनर्स मैंने लॉक के जो कंटेनर्स आते हैं ना वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट हॉल में आएगा, और जो आधे कंटेनर्स है वो मैं ये आइकिया के लेकर के आई हूँ। सो आई फाइंड इट वेरी गुड, मतलब मुझे सही लगा। सो ये यहाँ से ऐसे प्रॉपरली पूरे ओपन हो जाते हैं, एंड फिर जब आपको आपका जो भी मटेरियल निकालना वगैरह होता है ना तो उसके लिए आप सिर्फ यहाँ से ओपन करो, पोर करो, एंड दैट्स इट। आई थिंक 7 या 8 ये लेकर के आई हूँ, और बाकी जो मैं लेकर के आई हूँ वो ऐसे छोटे छोटे साइजेस के लेकर के आई हूँ। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट लेकर के आई हूँ वो मैं ये लेकर के आई हूँ, सोप डिस्पेंसर, ये सिर्फ 50 रुपए का आता है। जो मैंने परचेस की है वो है ये ग्लास का लिड, सब्जी वगैरह रखने के लिए, सब्जी वगैरह होती है वो सब मैं ग्लास के कंटेनर में ही यूज करती हूँ, ताकि मैं फ्रिज में से डायरेक्ट निकाल करके उनको माइक्रोवेव कर दूँ। प्रोडक्ट है वो है ये, असेंबल करना पड़ेगा ये, इस तरीके से आप अपने प्लेट्स एंड लिड्स रखने के लिए यूज कर सकते हो। प्लेट्स रखने के लिए तो ऑलरेडी हमारे टैंडम ड्रॉर्स में सेक्शन दिया हुआ है, बट जो लिड्स होती है ना, मेरे पास ग्लास की लिड्स काफी सारी लिड्स हैं जो ऐसे ही रैंडमली पड़ी रहती हैं, तो मुझे लिड रखने के लिए एक ऐसा ऑर्गेनाइजर चाहिए था जिसको मैं फैला भी सकूं और छोटा भी कर सकूं। सो दिस इज एन एडजस्टेबल, स्टील का है और एडजस्टेबल है। अभी एक्चुअली ये देखिए, मुझे इसको पूरा असेंबल करना पड़ेगा, सो असेंबल करने के बाद आपको मेरे किसी ब्लॉग में ये दिख जाएगा डेफिनेटली। सस्ते मुझे 70 रुपीज के 4 कंटेनर्स वहां पे मिल गए थे, व्हाइट कलर के हैं एंड मोजैक इसका पैटर्न है, मतलब ब्लरी टाइप का है, तो आपको कुछ आर पार तो नहीं दिखेगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस फ्लावर्स, आई डोंट नो मैंने क्यों लिया, मुझे इसका कलर बहुत सुंदर लग रहा था, ऑरेंज इज माई कलर। उसके बाद मुझे ये गोल्डन कलर का वास भी बहुत प्यारा लग रहा था, और जब मैंने इसको इसमें डाला ना तो भी ये बहुत सुंदर लग रहा था। ये देखिए आपको बताती हूँ, सी वेरी प्रिटी ना, तो मुझे बड़ा प्यारा लग रहा था, एकदम मिनिमल सा ऐसा। तो मैंने इसको ले तो लिया, अभी देखते हैं कहाँ रखेंगे, जब डेकोर करेंगे तब समझ में आएगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने लिया है वो ली है ये, इस तरीके की एक फ्रेम लिया है मैंने, तो ये 40x50 का फ्रेम है, काफी बड़े साइज का फ्रेम है। तो मैं ना इससे पहले मैं होम सेंटर गई थी, एंड होम सेंटर में मैंने काफी सारे ऐसे फ्रेम्स वगैरह देखे, काफी नया कलेक्शन आया, मतलब मैं तो काफी टाइम बाद होम सेंटर गई हूँ, काफी सारे मैंने आर्टवर्क देखे, मुझे बड़े इंप्रेसिव भी लगे, लेकिन वो सब आर्टवर्क आप सोचो 1800, 1200, 2500 जो बहुत सिंपल है, जिनको मैं बहुत आराम से बना सकती हूँ या उनका प्रिंट आउट निकलवा सकती हूँ, मुझे बहुत एक्सपेंसिव। मैंने कहा यार उनका मुझे 1800 देना, 2200, 2500 देना, इस मुझे बिल्कुल भी वर्थ नहीं लग रहा था। ये मैंने 800 रुपीज में खरीदी है, काफी अच्छी क्वालिटी मुझे लगी, मैं इसको कहीं भी यूज कर सकती हूँ, मैं चाहूँ तो एक कहीं लगा सकती हूँ, या चाहूँ तो 2 लगा सकती हूँ, 3 का सेट लगा सकती हूँ, ज्यादा बड़ा लगेगा तो मैं 2 का पेयर लगा के एक कहीं और लगा, मतलब मैं कहीं भी लगा सकती हूँ, और इसके अंदर जो भी आर्टवर्क्स है मेरे को जब चेंज करना होगा वो मैं चेंज भी कर लूंगी। उसके बाद मैंने कुछ शेल्स वगैरह खरीदी है, एक बैल्कनी फर्नीचर खरीदा है, बैल्कनी फर्नीचर ने 3 खरीदे एक्चुअली, हाँ मैंने बैल्कनी फर्नीचर 3 से 4 खरीदे हुए हैं, 2 मैंने प्लांट्स खरीदे हुए हैं जिसके पिक्चर मैं यहाँ पे लगा दूंगी। अभी रात का टाइम मैं शूट कर रही हूँ, रात के टाइम पे हम लोग प्लांट्स को टच नहीं करते हैं। आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।